हमारे गांव में जो पानी है दो ठो कल है नल है, यहाँ पे यहीं से लाते हैं पानी उन्हें पीते है। नाला पास हुआ कुछ नहीं मिला है इधर के पास कोई मुखिया का किस से कथिन से कहबे हमरा कुछ नहीं दल के दू लहास निकलले घर से हमरा एक में बैठा आराम नहीं दल के सड़क से कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर मट्टी गया वैसे नाला धरा हुआ है। इंदिरा आवास भी कुछ नहीं हुआ है कहाँ पर दिया इंदिरा आवास इतना है आधा गांव मिला आधा पानी नहीं मिल रहा। अच्छा। और उसमें से है कि नाली का निर्माण बोला था नाली नहीं बना रही। हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं अपने कैमरे की मदद से आपको वहां हो रही विकास की सारी सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं। हम हर एक क्षेत्रों में जा रहे हैं हर एक वार्ड जा रहे हैं वहाँ के मुखिया से बात कर रहे हैं वहाँ के वार्ड सदस्य से बात कर रहे हैं गाँव की जनता से बात कर रहे हैं और वहाँ की सारी सच्चाई सड़क नाला पानी मुख्यमंत्री द्वारा मुखिया द्वारा और अनेक जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे वादे पीटे जा रहे ढिंढोरे इन सभी चीज़ों की पोल खोल रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर क्या क्या लूट खसोट मचा हुआ है कहाँ कहाँ विकास कार्य ठप है ये सभी चीज़ें हम आपको अपने शो में लगातार दिखा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं मिस पंबे पंचायत के पंचायत भवन में और यहाँ से हमारा दौरा हमारा सिलसिला शुरू होगा जो आपको इस पंचायत में हो रही सारी विकास की हकीकत दिखाएगा कहाँ कहाँ लूट खसोट मचा हुआ है मुखिया जी द्वारा कितना परेशान किया जा रहा है अपनी जनता को जनता अपने जनप्रतिनिधि से कितना आक्रोशित है इन सभी चीज़ों की सच्चाई इन सभी चीज़ों की हकीकत इन सभी चीज़ों का चलचित्र हम आपको अपने शो में दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए सिल्क टीवी पर। हम आज निस्पंबे पंचायत का दौरा कर रहे हैं अभी फिलहाल हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 3 में। हर एक वार्ड की विकास की हकीकत हम आप तक पहुंचा रहे हैं सड़कों का निर्माण नालों का निर्माण या फिर मुखिया द्वारा किया जा रहा है लूट खसोट इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं वार्ड संख्या 3 की। सबसे जो विकराल समस्या है यहाँ पर यहाँ स्थानीय लोगों के समक्ष ये है नालों का। नाला में पानी भर गया है कचरा जमा है और ये बीमारी का एक सबसे बड़ा स्रोत है। चाची की समाज में नाला देखे छो खुल ले जाओ न तो रश्मि के महाते नहीं छो है बीमारी नहीं फैले छो महाते नहीं जाए महाते जी की करगी मुखिया के बोलो ग्राम पाठ लगे छे ग्राम पाठ लगते नहीं करला छे पाठ तो बताबो की पाट लगे छे रोडो पर जितना नाला बनते नहीं सब पर पाट लगते आदमी गिरा पड़न है नाला में कुछ नहीं बोल बहुत लगे तो पाट देता है। अच्छा मतलब आरो से नहीं पानी आवे छो सब घर में यहाँ अच्छा वृद्धा पेंशन मिल रहा छो क्षेत्र तोरो वार्ड नंबर 3 केकरो वृद्धा पेंशन इंदिरा आवास के युवा से बात करते हैं हम स्थानीय हैं इधर आइए क्या आगे तुम्हारा नाला खुला है तुम नहीं बोलने तैयार हो रहे हो बताओ बोलो बोलो क्या बोलेंगे इस बात मुखिया क्या क्या किया है मुखिया कुछ भी नहीं किया है मेरा खाली 5 के सीजन में 2 नाली साफ किया है उसके अलावा हमारे मतलब 3 वार्ड में कुछ भी नहीं हुआ 1-2 रोड बना है बस वही काम हो गया पानी आया अभी तक। और भी लोगों से जानते हैं कि आखिर समस्या कितनी बड़ी है क्या क्या समस्याओं से इन्हें रोज जो बहुत खराबी है रोड भी नहीं बढ़िया बन रहा है हाँ सब चीज जाने में दिक्कत होता है। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ वृद्धा पेंशन मिलता है। अच्छा इंदिरा आवास आपका वार्ड में कब को मिला? अभी 1 मिला और किसी को नहीं मिला 1-2 पैसा कौड़ी भी लिया इंदिरा आवास में? पैसा कुछ बहुत आदमी से लिया है बहुते है। लगातार क्षेत्र की समस्याओं से हम आपको अवगत करा रहे हैं। वार्ड संख्या 3 में भी हम मौजूद थे यहाँ पर ग्रामीण खासकर नालों की गंदगी से काफी परेशान है। नाला यहाँ पर जमा पड़ा है गंदगी नाला से बाहर सड़कों पर बह रही है और ये कहीं ना कहीं बीमारी को दावत देती है। अनेकों प्रकार की बीमारियाँ अनेकों प्रकार के रोग इन नालों से नाला इनके स्रोत हैं। मैं आपको बता दूँ कि हर क्षेत्र का हम भ्रमण कर रहे हैं हर वार्ड में जा रहे हैं पिछले 5 में मुखिया द्वारा क्या क्या काम किया गया इन सभी चीज़ों का पड़ताल कर रहे हैं और आपको सच्चाई बता रहे हैं। वो सच्चाई जो यहाँ के ग्रामीण बताते हैं स्थानीय लोग बताते हैं युवा महिला या वृद्ध बताते हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप इस बात का खुद निष्कर्ष लगा सकते हैं निकाल सकते हैं कि आपके जनप्रतिनिधि आपको लेकर कितना एक्टिव हैं और कितना काम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं क्या क्या विकास कार्य उन्होंने किया और कितना लूट खसोट अभी भी जारी है। बने रहिए हमारे साथ। हम लोग जैसे अपने संविधान से बनाया लेकिन अपने संविधान से काहे बनाया आप लोग? इसलिए कि हम लोग को परेशानी हो रही थी ज्यादा। अभी आप रोड पर पानी देखा आपने पानी के अलावे भी था क्या इसमें इतना भट्ट होना 15 आदमी को बच्चे बच्चों को जाने स्कूल में जाने में परेशानी होती थी। हम लोगों ने सोचा क्या करेंगे तो अपने से समुचा गांव मिलकर चंदा किया समुचा टोला मिलकर हाँ नाला का निर्माण इसको नहीं खुदवाए हम लोग जैसे बेलदार ला करके बाहर से। अच्छा अब वहाँ पर अड़ा हुआ है वो एनक्रोचमेंट सबसे बड़ा समस्या है उनका।
नाला भी ढक्कनों नहीं चाचा बीमारी बीमारी फैलता हूँ। बीमारी फैलते हमने की करवे, हमने बीमारी फैलते इलाज करा पर मरबो यह न होता है। लेकिन मुखिया जनप्रतिनिधि वार्ड मुखिया जनप्रतिनिधि के योजना का अंदर ये नहीं है प्रधानमंत्री योजना के साथ में से योजना का कम नहीं हुआ है, बस जो भी कम हुआ ये हुआ है थोड़ा सा गरीब हुआ है। इंदिरा आवास मिल लो जहाँ ना इंदिरा आवास नहीं मिला समाज में ककरो मिल लो जी कत्ता का गुक मिल लो जी किसी को भी मिला है। अच्छा पंद्रह बीस लोग ऐसे मिला हम लोग को इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला। तो की इंदिरा आवास और पैसों को ले जी कुछ कमीशन उमीशन भी तब तक कहे की बात है रोजगार के जमाना। अच्छा बिना कमीशन का काम नहीं होता, पहले हो जाता है की 15,000 या 20,000 हम बिना कमीशन का कोई काम नहीं। निस्पंबई पंचायत का लगातार हम दौरा कर रहे हैं, आपको यहाँ की विकास की हर एक सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं। फिलहाल हम वार्ड संख्या 2 में मौजूद हैं। यहाँ पर काफी निर्धन लोग हैं, इनका पक्का मकान नहीं है। जो वादा सरकार करती है कि हर गरीब के छत पर पक्का मकान होगा, हर एक इंसान को पक्का मकान दिया जाएगा, इसकी हकीकत हमारे पीछे आप देख सकते हैं। फूस के मकान, पत्तों के मकान और तौर कहें तो बत्ती और बांस के मकान यहाँ पर हैं, जिनके अंदर इतनी ठंड, इतनी गर्मी, हवा, धूप, तूफान, बारिश, पानी, इन सभी चीजों को जूझते हुए, इन सभी चीजों को सहते हुए यहाँ के गरीब ग्रामीण रहते हैं। पैसा तहसील करके सब गांव का ग्रामीण लोग ये सब ही किया है और वार्ड और ये सब कोई नहीं किया है, पर्सनल अपने से किया है। अच्छा मतलब ये गड्ढा जो है ना मशीन द्वारा या लेबर द्वारा उससे ग्रामीण लोग किया है गाँव वाले। अच्छा तो मुखिया वार्ड नहीं दिल मुखिया वार्ड कुछ नहीं किया है। गली साथ नहीं से योजना में सड़क और नाला पूरे गली गली बनी चाहिए। नहीं रोड रोड यही दिया है जो आप अभी खड़े हैं, यही रोड दिया है जहाँ तक वार्ड जाता है ना वहीं तक गया है रोड, बाकी तो और तो कोई नजर नहीं आ रहा काम पे। जहाँ भी देखिए अपने कौन चीज जिसको मिलने वाला है उसको नहीं कुछ हुआ है, उसको मिली नहीं करता, जिसको मिलता है उसको मिलता है, इसमें है क्या इंदिरा आवास सब कोई सब चीज मिलता है। पेंशन मिले हमको कुछ नहीं मिला है, ककरा चलो कॉल को बता दिए तो पहले में क्या नाम है और अभी वार्ड क्या करता है वो को गाड़ी देंगे माधर गाँव का आदमी तो देखा हुआ पैसा कौन है उसको गाड़ी देंगे। गाड़ी नहीं क्या सब सब आदमी आए हैं आप सही है की नहीं आप सुनने के लिए आए हैं ना सुन लीजिए समस्या तो एकदम सही बनी नसी जितना आदमी के हमरा लिखा पानी नाला दिक्कत छो और सरकारी मिल रहा सर 24,000 वाला फिर चढ़ा के पानी के नहीं मिल रहा सर पक्का छुए से मकान कत्ते मिल रहा छन 24,000 शौचालय चाची शौचालय शौचालय थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन यहाँ पे रोड का ज्यादा समस्या है। अच्छा सबसे ज्यादा तो यहाँ पे रोड का ही सबकी घर चूता है घर तो चूता ही है सही बात है जब तो मिली है तो घर कहने मिला कहे न मिला हम कैसे बता कि राशन कार्ड नहीं है इसीलिए नहीं मिलता। क्या मुखिया कार्यकाल से खुश हैं 5 साल हो गया? खुश तो हम आम जनता हैं, खुश तो हम खुश रहेंगे, मेरा जनता ही विरोध है तो वो खुश होने से क्या फायदा। मतलब सड़क नाला निर्माण पानी का ये सब का कुछ दिख रहा है आपके समाज में? दिख तो बहुत कम, जिस ढंग से मेरे सरकार भेजे है उस ढंग से कोई काम नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। इस बार आप प्रत्याशी आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा तो यही है कि तन मन धन से समाज का सेवा करना है, समाज खुश रखना है, इसके पीछे समाज देखिए समाज खुश तो हम भी खुश। ठीक है निस्पंबई पंचायत का दौरा कर रहे हैं, यहाँ हो रही विकास की सारी सच्चाई आप तक पहुँचा रहे हैं, यहाँ के जनता से बात कर रहे हैं और ग्रामीणों द्वारा कही गई हर बातों को आपको सुना रहे हैं। क्या क्या विकास कार्य हुआ है, मुखिया ने पिछले 5 साल में कितना लूट खसोट किया, कितना सड़क बनाया, कहाँ नाली का निर्माण हुआ, पानी कितने घर पहुँच रहा है, कितना को इंदिरा आवास मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला, इन सभी चीज़ों की सच्चाई हम आपको नहीं बताएंगे, यहाँ की जनता बताएगी, उनसे सीधा बात करेंगे, जनता जो बताएगी वो सीधा हम आप तक पहुँचाएंगे। हाँ भाई बताओ 5 साल हुए बोला जो फनु चुनाव तो फनु नया मुखिया बन तो 5 साल और है 5 साल बीच में मुखिया दिख लो चलो एक दिन यहाँ एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमारे गांव का मुखिया जी आकर के गांव समाज का हाल समाचार ले और हम लोग का जो जल का जो प्रॉब्लम है ये हम लोग का ऐसे करीब जब से हम लोग हाउस से मारे तब से नहीं इस गांव में न चपाकल का व्यवस्था है
और न ही चलने के लिए रास्ता का व्यवस्था, न हम लोग का पानी कैसे निकास होगा वो चीज का भी व्यवस्था। मतलब पिछले 25 साल से इस क्षेत्र में जो है पानी की घोर अकाल है, पानी का घोर अभाव है कह सकते हैं। तो यहाँ की ग्रामीण, यहाँ की जनता पानी के अभाव में पागल हो रही है। चाचा तुम तो बताओ मुखिया कहाँ से खुश छो? मुखिया के कहवा से क्या खुश रहेंगे, हम यहाँ पे कोई भी नेता नहीं है। देख रहे हैं कि आज हमको 50-60 बरस हो चुका लेकिन ये कोई रोड नहीं है, न पानी की नई साधन है, न कोई चीज़ की नई बिजली का, न कोई चीज़ की नई साधन है। हम कैसे के रह रहे हैं तो हम ही जान रहे हैं कि बात बोली सुन के हम रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करेंगे हम और जानेंगे कि आखिर क्या परेशानी है। महिलाओं को भी समाज में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाची है बताबो तोरा वृद्धा पेंशन मिले छ? वृद्धा पेंशन मिले छ। इंदिरा आवास मिलना घर को फुसर छ घर की पक्की घर छ मट्टी घर छ तो इंदिरा आवास नहीं मिलना? नहीं कहना नहीं मिलना। अब कहना मिल जाए बस उनके मन ने मतलब तुम बोल लो इसनी जन प्रतिनिधि बोल लो ले छ जा से घर पर का छे जा जा हो तो आ करे छ नहीं है। अच्छा आरो पानी रो अवस्था नहीं छ हमरा निकल बिजली तार नहीं छ सड़क बुले नहीं छ मरे छ आदमी तो गोदी में कर के सड़कों पर ले आए छे तो बच्चा चली पड़े छे हाई अवस्था हमरा से तो आरो कौन दुख होना से हो सरकार देखते आरो यह हमरा निकल अवस्था दा देखी कि हमरा निकल पानी द्वारा से जीवन बचन होतो घर मकान गरीब देखा जो टूटलो घर द्वार से और परेशानी है। जनता महिलाओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वृद्ध महिला थी उन्होंने बताया कि पिछले 25 सालों से 30 सालों से या कहें तो उससे भी पहले से पानी की समस्या हमेशा से इस क्षेत्र में बरकरार रही। लोगों की तबीयत खराब होने पर या वृद्धों को किसी प्रकार की परेशानी होने पर कोई भी मदद करने यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है क्योंकि सड़क नहीं है, नाले यहाँ पर सड़कों पर बहते हैं। है बताओ दीदी कि मुखिया रोड सड़क कुछ दिलकाउ तो रहा कुछ नहीं दिल नाव पर नल है पानी जाने का रास्ता नहीं है, न चपा कल है, न लाइन है, न हम लोग का घर द्वार है, कहाँ पे रहेंगे हम लोग? तो घर दिलाएगा तब नहीं रहेंगे, खाली वोट लेने आता है, बोलता है कि हाँ कर देंगे, नहीं करता है, सब चीज बोल बोल के खाली चला जाता है। जाते हैं हम लोग बोलने के लिए कि दीजिए हम लोग का घर द्वार दिलाया तो नहीं दिलाता है। सरकार कहे छे दीदी, सरकार कहे छे कि जे भी गरीब आदमी छे जेकरा की पक्का मकान नहीं छे, जोन की फूसो मकानी में या डमोलार मकानी में खबड़ा मकानी में रहे छे और हर गरीबों का प्रधानमंत्री आवास योजना एगो योजना छे ओकरो तहत सबका पक्का मकान मिलते, पैसा दिलो जाए छे। कहे बताबो जब तोरा सनी फूसो और मकान छ तो असली समय मुखिया कहलो कि घर जरूरत छे। हम लोग बोले थे मुखिया के जाके घर द्वार हम लोग का बहुत नहीं है, दीजिए घर द्वार दिलाइए, नहीं वो कुछ नहीं बोलता है कि हम दिला देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं करता है। का आदमी का इंदिरा आवास मिल लो छो एंट्रा केकरो मिल लो छो इंदिरा आवास एंट्रा? मेरे पीछे आप देख सकते हैं करीब 25 से 30 परिवार के लोग हैं और इंदिरा ये सभी फूस के घर में रहते हैं, काफी गरीब परिवार से हैं और जिस प्रकार से वादा किया जा रहा था कि सभी को आवास दिया गया है, पक्का मकान दिया गया, उसकी सच्चाई यही है कि इस 2500 परिवार में से एक परिवार है जिनको इंदिरा आवास मतलब जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला। चाचा कुछ पैसों को ली दलो कमीशन उमीशन? हाँ जब देखने की मिला हमको 35,000 रूपया मिला था, पहले सबसे पहले मिला था 5 साल और मैं कितने मिलो जहाँ तो आप यही देख लीजिए, ये एक गरीब मोहल्ला है, यहाँ पर रहने वाले लोग निर्धन है, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं और ऐसे में इनको यदि घर की समस्या सताए, इनको यदि बिजली की समस्या सताए, सड़क की समस्या सताए तो इनका जीवन और कितना मुश्किल हो जाता है। चाची की केकरो ने इंदिरा आवास मिल रहा है ना कि पैसा कौड़ी मांगे छो की इंदिरा आवास और नवाब? चाची इंदिरा आवास और नवाब कुछ कमीशन नहीं? और भी महिलाओं से बात करेंगे। चाची है बताओ की संतुष्ट छो तो मुखिया काम से? संतुष्टि नहीं रह हमरा सब छेबे कर देखल सब के झोपड़ी कोपड़ी छै संतुष्टि रहबै नै हमरा सब बहुत दे दो लाइन सब दे दो चले के रास्ता नै छै यह सब की बोले जो चाची बता 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 हमरा के घर नै छै बिजली नै छै रास्ता नै छै केनो के निकलतै नै लाइन छै नै घर द्वार छै बढ़ियों। अच्छा मैं है देखे छियो कि देखो ये तो कच्ची सड़क है यहाँ तक आने के लिए, हमने आगे पीसीसी है पर इस क्षेत्र में इस समाज में आने के लिए कच्ची सड़क से हम आए हैं। है बताओ चाची बरसातों दिनों में था इसलिए तो पानी भरी तो होता है आदमी
साधन तो एना में जब बारिश और पानी भरी जाए पूरे क्षेत्र में पूरे इलाका में एना में तो फिर तबियत उबियत खराब हो रहा है बीमारी फैल रहा बच्चा बुतरू जाना है तो बीमारी उमारी फैलता हो तो फैल जाता है सर यहाँ बहुत दिक्कत है कुछ भी नहीं है यहाँ देखिए बाथरूम भी नहीं है बगीचा में पानी हो जाता है जब बारिश पड़ता है तो कहाँ जाएंगे महिलाओं से दिक्कत करते हैं। इस प्रकार की समस्या है ग्रामीण जो है अपने जनप्रतिनिधि से आक्रोशित नहीं कहें तो परेशान है उनको किसी प्रकार की मुखिया से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ना तो घर दिया गया ना बाथरूम शौचालय की जो वादे होते हैं कि घर घर शौचालय हुआ घर घर पानी गली गली पक्की इन सभी सभी वादों पर जितना भी ढिंडोरा पीटा जाता है जितना भी आप अखबार या पत्रिका में प्रचार देखते हैं कि हजारों घरों को पक्के किया गया हजारों लोगों के घर तक पानी पहुंचाया गया हजारों हजारों किलोमीटर गलियां पक्की की गई सड़कें बनाई गई उसकी सच्चाई यही है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं फूस के मकान मेरे आसपास भी मैं चाहूँगा कि आपको मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएं कि किस प्रकार से गरीब कैसे घरों में रहने के लिए विवश हैं। यहाँ ना तो शौचालय की समुचित व्यवस्था है ये घर भी पूरी पूरी कच्ची है यहाँ अगर बारिश पड़े तो घर के भी ढहने के खतरे रहते हैं। चाची घर उर भी गिरे छों की बरसा वर्षा में ऐसे में ग्रामीणों को अपनी जनप्रतिनिधि से काफी आक्रोश है काफी गुस्सा है। हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हो रही विकास की हर एक हकीकत को आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क नाला बिजली पानी या फिर ग्रामीणों को हो रही कोई भी समस्या जो कि जनप्रतिनिधियों द्वारा हल किया जा सकता है उन सभी समस्याओं को आप तक सीधा हम पहुंचाते हैं। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं नाथनगर प्रखंड के निष्पम्बे पंचायत वार्ड संख्या 9 में। यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं ग्रामीण हैं महिलाएं हैं युवा हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि समाज में अभी कौन सी ऐसी समस्याएं जो दस की तस रखी पड़ी है। 5 साल होने को है पंचायत कमीशन द्वारा इलेक्शन कमीशन द्वारा फिर से चुनाव होने वाला है नया मुखिया बनेंगे पर पिछले 5 साल में मुखिया द्वारा क्या कार्य किया गया क्या क्या विकास के कार्य हुए और कहां कहां विकास कार्य अभी भी जस की तस वैसे ही रुकी हुई है इन सभी बातों का पड़ताल करने सच्चाई आप तक पहुंचाने हमारे साथ यहां के स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात कर आपको यहां की हकीकत यहां हो रही विकास की हर एक पड़ताल पहुंचाएंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार चौधरी। आप वार्ड सदस्य हैं अपना क्षेत्र? आपका तो कार्य में पिछला 5 साल का कार्यकाल अब मुखिया का खत्म होने वाला है आप वार्ड सदस्य तो आपको इस बात का ज्यादा जानकारी होगा कि आपके वार्ड में या आपके क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ विकास कार्य तो क्या लगता है अपने आप जनप्रतिनिधि से खुश हैं विकास कार्य? मेरे वार्ड में एक भी रुपया का साथ से काम नहीं किया गया है एक भी रुपया का नहीं किया गया है। तो आखिर आप जनप्रतिनिधि हैं भैया आप वार्ड सदस्य हैं आपके कहने से थोड़े काम चलेगा कि काम नहीं हुआ आप आवाज उठाना चाहिए ना आपको। हम तो आवाज मुखिया जी के पास जाते थे तो बोलते कि चेक पैसा कीजिए ट्रांसफर बोला नहीं अभी पैसा नहीं आया है। उसके बाद वीडियो साहब के पास गए तो बोला कि वीडियो साहब कि जाइए मुखिया जी ट्रांसफर करेंगे पैसा तो आज तक पैसा ट्रांसफर कर भी नहीं किए हैं। हर एक पंचायत हर एक ग्रामीण क्षेत्र की यही स्थिति है कि लोग यहाँ के ग्रामीण स्थानीय अपने मुखिया से त्रस्त हैं परेशान हैं। चाची की दिक्कत है समाज में कुछ विकास होल है? कुछ विकास नहीं होल हमारा सुनी की यह होल है कि हमारा सबके हुलसा चले पानी का दिक्कत है बर्तन लै छे पानी बहुत दूर दूर से पिए वास्ते आने छे तो हम सब सोचलिए कि यहाँ पाइप बिछी गए तो पानी अत अब बेटी छे पुतहु छे बूढ़ा बूढ़ी के दिन कटि गए अब बेटी पुतहु अलै जर जवान डिब्बा लेकर अगर देश से विदेश पानी आने जाते तो दिक्कत है कि किस के दिक्कत है कि नहीं बोलिए हैं। अगर ये सप्लाई पानी आता हम लोग के यहाँ तो बेटी पुतहु घर से बाहर होता डिब्बा लेकर के तो चाची थोड़ा सा सब एकजुट होकर मुखिया के बात कह लो कि पानी की किल्लत है समाज में पानी की जरूरत है। मुखिया का बेटा 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 पति है अपना बेटा जवान है अपना घर के वार्ड है सदा मुख मुख आदमी जाके मुखिया के कहबे करे छे तो हम लोग की जाके अब जर जनानी की कहिए जाके बोलो जब मुख मुख आदमी मर मर्दना कहबे करे छे तो हमरा सब के कहना की जरूरी है कोई जरूरी तब अपने जनप्रतिनिधि से यहाँ के लोग काफी आक्रोशित हैं ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। चाची की सड़क नाला बिजली पानी असनीर निर्माण 5 सालों में की होलो तोरा क्षेत्र में? वही पानी सब हम लोग के सोचे घर ले जाके पानी का सप्लाई हम लोग घर में ले लेंगे लेकिन पानी अब नहीं हम लोग काट आधा आधा काट काट छोड़ दिया सबको तो ही हाल है सब डिब्बा लेकर के दूसरे के यहाँ जाता है पानी लाने के लिए।
यहाँ से कम से कम एक किलोमीटर से पानी लगते है, एक किलोमीटर दूर से पीने के लिए या फिर काम करने के लिए पानी लाया जाता है। और ये रोज की बात है, आप समझ सकते हैं कि जिस समाज में पानी एक नल से गिरनी चाहिए, जो सरकार बोलती है हर घर नल, हर घर तक जल का पानी, नल का पानी, शुद्ध पेयजल, ये बस कहावत है, ये बस बड़े बड़े अखबारों के पन्नों में दिखाई पड़ता है, पर ग्रामीण हकीकत यही है कि यहाँ भी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग, समाज के लोग अपने घरों से एक एक किलोमीटर दूर या कहें तो दूसरे गाँव में, दूसरे समाज में पानी लाने जाते हैं। चाचा की दिक्कत जैसो दस रे पाँच सालों में कि मुखिया कुछ कर लो पानी नहीं आवे, पानी बिछल का पाइप ताइप आओ उधर देखे ना, उधर देखिए क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, कहां कहां रुके पड़े हैं, कहां कितना घोटाला हुआ है, कहां काम अभी और होना बाकी है, इन सभी सवालों के जवाब देने अभी हमारे साथ मौजूद हैं निस्पंबे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। इनसे हम बात करेंगे और साफ तौर पर जानेंगे कि आखिर इनके पंचायत में कहां कहां विकास कार्य रुका हुआ है, जनता इनसे नाखुश क्यों है और आने वाले चुनाव में चुनाव के लिए क्या मुद्दा होगा। ऐसे कई सवाल हैं। सबसे पहले मुखिया जी आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि हम पूरे पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं, हर एक वार्ड जा रहे हैं, हर एक क्षेत्र जा रहे हैं, जो भी ग्रामीण स्तर पर समस्या है ग्रामीणों की उन सभी चीजों को देख रहे हैं और जनता को दिखा रहे हैं। जो मुख्य समस्या थी आपके क्षेत्र में वो सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, पानी को लेकर जनता काफी आक्रोशित है और आपसे शिकायत भी है उनको। क्या लगता है आपको, पानी को विकास के हिस्से लेते हैं आप या सोचते हैं पानी विकास का कोई मुद्दा नहीं है? पानी विकास का मुद्दा बिल्कुल है। हम उन ग्रामीणों को कहना चाहते हैं कि नाथ नगर प्रखंड के प्रत्येक पंचायत का वो भ्रमण करें और वो अपने निस्पंबे पंचायत को देखें। हमने यहाँ पीएचडी के द्वारा 12 बोरिंग, 12 वार्ड में पीएचडी के द्वारा बोरिंग का कार्य करवाया है, 7 वार्ड में पीआरडी के द्वारा कराया गया है, लेकिन कुछ ग्रामीणों को जो कि दूर दराज है, जो कि पाइपलाइन से दूर है, उस असुविधाएँ हो रही है उनको, असुविधाएँ हैं लेकिन उनको भी दुरुस्त करने का और करवाने का काम हम कर रहे हैं। काफ़ी जितने भी घर हैं सड़क किनारे पाइप तो बिछी हुई है, हर घर के आगे पाइप है, पर पानी किसी से नहीं निकल रहा है। और ग्रामीणों का आप भी जब अगर भ्रमण कीजिएगा तो ये सवाल है कि जब पाइप लाइन बिछ गया है तो पानी आने में देरी क्यों? दूसरी बात ये कि बोरिंग कई जगह है, जल मीनार भी है, वहाँ पर भी पानी की व्यवस्था सुचारू ढंग से चालू नहीं हुई है। तो इन सभी चीज़ों का आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान 2 साल पहले या 2 वर्ष पहले नहीं देना चाहिए था? आपको जो शिकायतें प्राप्त हो रही है, मिल रही है शिकायतें, वो काम जो पीएचडी के द्वारा किया गया है, अब पीएचडी जिस तरह से आपको शिकायत मिला होगा कि 9 नंबर वार्ड में कि पाइप तो बिछा हुआ है लेकिन पानी की समस्या है, अभी उस समस्या को भी हमने दूर किया है। अभी हाल फिलहाल 10 दिन पहले हमने पीएचडी विभाग के स्कूटी जई सारे से बात करके 9 नंबर के लिए एक अलग से बोरिंग भी पास करवा दिया, जिनका की वर्क ऑर्डर भी निकल चुका है और उनकी समस्या जल्द ही समाप्त हो जाएगी। जो सबसे बड़ी समस्या है मुखिया जी वो है आजकल के समय में महामारी, बीमारी, गंदगी, इन सभी चीजों से बचकर रहने का के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र में गंदगी बहुत विशेष समस्या बनी पड़ी है। नालों पर पाट नहीं होना कहीं ना कहीं बीमारी को दावत देता है या फिर कहें तो बीमारी का घर बन जाता है और आपके क्षेत्र के जनता इस चीज से काफी आक्रोशित है, परेशान। अधिकतर क्षेत्र मेरा जो है किसानों का क्षेत्र है, जो कि मवेशियों का पालन वो लोग ज्यादातर करते हैं और वो उन लोग का एक स्वभाव बन गया है कि जिस तरह से मवेशी को अगर वो रखेंगे तो रोड पे ही रखेंगे, जहाँ नाले हैं नाला पे पाट कुछ लगा दिए उसके ऊपर रख दिए तो उनका गोबर और कुट्टी जो गिरेगा तो वो कहाँ जाएगा, तो वो तो नाली में ही जाएगा। ये जिम्मेवारी तो उन पब्लिक की भी है कि अगर हमारे घर के पास नाली है गंदा है तो अगर मुखिया जी 5 साल में 2 बार उनको सफाई करवाते हैं तो एक बार तो उन पब्लिकों का भी तो कर्तव्य है कि उनको भी सफाई किया जाए। क्या लगता है आपको, कमीशनखोरी आपके क्षेत्र में विकास का बाधा बन रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अभी सबसे सर्वप्रथम, आप इंदिरा आवास की बात कर रहे हैं तो वो हमारे रीजन के पहले की बात है, इंदिरा आवास अभी जो हमारे यहाँ आवास की योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास में हमारे यहाँ 302 आदमी का लिस्ट सर्वप्रथम आया था, जिसको हमने संशोधित करवा करके
जिनके पास छत नहीं है, जिनको घर नहीं है, जिनका मकान कच्चे का है, उन सबको चुन चुन करके आवास दिलाने का काम किया है। और दूसरा बात ये कि हमने उस लिस्ट को सार्वजनिक करने का काम किया है कि हमने पंचायत भवन के दीवार पे लिखा दिया है, किसी को अगर आपत्ति है कि इस लिस्ट में 97 आदमी का लिस्ट है, उसमें दीवार पे लिखा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिया है। ऐसे जरूरतमंद जिनके सर पर छत नहीं है, उनसे छत देने के नाम पर भी ठगी की जा रही है। आप मुखिया हैं, ग्रामीण आपसे आक्रोशित हैं और शिकायत भी आपसे ही करेंगे क्योंकि जनप्रतिनिधि आप हैं। मुखिया जी, सबसे अहम सवाल यह है कि वो गरीब जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको 20,000 रुपये एक मोटी रकम लगती है, वो यदि मुखिया के पास जाएं और किसी दलाल के पास जाएं, इस बातों में बहुत सा फर्क हो जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जनता या तो आपसे आक्रोशित है या फिर जनता को दलाल पर अपने जनप्रतिनिधि से ज़्यादा भरोसा है? बिल्कुल, दलाल पे ही भरोसा है उनको, यहाँ के ग्रामीणों को दलाल पे ही भरोसा है, क्योंकि मुखिया दलाली करता नहीं है और दलाली का पैसा लेता नहीं है। तो उनको लगता है कि मुखिया काम नहीं करेगा मेरा। जब वो पैसा किसी का मुखिया नहीं ले रहे हैं तो उनको विश्वास ही नहीं होता है कि ये काम मुखिया कर पाएंगे। जनता नाखुश है, जनता कहती है कि कोरोना के समय में मुखिया द्वारा कुछ नहीं किया गया, एक मास्क या एक सैनिटाइजर या फिर कहीं पर भी कोई छिड़काव, पब्लिक की मदद, जनता की सहायता उस समय में जब जनता भूखे मर रही थी, ऐसे समय में किसी प्रकार का मदद अपने ही जनता को नहीं देना, अपने ही क्षेत्रवासी को नहीं देना, कहीं नहीं लगता आपको कि आप अपनी जिम्मेदारी से कट रहे हैं, भाग रहे हैं? बिल्कुल नहीं भागे हैं जिम्मेदारी से। हमने दो बार पूरे पंचायत को सैनिटाइज करवाया है और मास्क 12,000 मास्क ला करके हमने पब्लिक के बीच में वितरण किया है। और उसके बाद उस कोरोना काल में हमने किसी ट्रस्ट का सहारा लेकर के, जो कि अपना पर्सनल निजी योगदान दे करके गरीबों को राशन भी पहुँचाने का काम किया है। और उस कोरोना काल में जो कि आदमी एक पेपर छूने से डरता था, उसमें हमने 1400 आदमी का राशन कार्ड बनवाने का काम किया है। आप जनप्रतिनिधि, आप देख रहे हैं कि यदि इस प्रकार से जनता को भरगलाया जा रहा है तो इसका तो नुकसान पूरे क्षेत्र को हो जाएगा। कल किसी गलत प्रत्याशी के हाथ में मुखिया का सत्ता चले गया तो विकास को कुछ नहीं होगा आने वाले 5 साल में। गलत के प्रति ही तो लड़े, जो कि आज हमने जो प्रयास किया कि हम आज किसी वैसे व्यक्ति, गलत व्यक्ति के हाथ में सत्ता को नहीं जाने दे, वही प्रयास तो मेरा रंग लाए। आज अगर वो गलत नहीं रहता तो सत्ता में रहता। जैसा कि हम अपने हर एक शो में कहते आ रहे हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, वहां हो रही लूट खसोट, वहां हो रही विकास की सारी सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे, सारी पोल खोल कर रख देंगे। अभी यहां के मुखिया प्रतिनिधि से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने अपने खुद के कार्यकाल में 97 लाभुकों को घर दिलाया, पक्का मकान दिलाया और इसकी लिस्ट उन्होंने खुलेआम सार्वजनिक तौर पर पंचायत भवन के दीवारों पर लिखवाई है, पेंट करवाई है, जो कि कोई भी ग्रामीण आकर देख सकते हैं कि किनको घर मिला है, किनको सरकारी योजना का लाभ मिला है। पर सच्चाई जब हम पंचायत भवन पहुंचे तो कुछ और ही है। मुखिया का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये सभी जानते हैं, और जिस प्रतिनिधि से हमने बात की उनका ये पहला कार्यकाल था। पर जो हमारे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं जिसमें लाभुकों का नाम है, 97 आवास योजना पाने वाले वो वैसे शख्स, वैसे ग्रामीण, आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि पहले ही लाइन में मोटे मोटे और लाल शब्दों में लिखा गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्राथमिकता सूची 2011। ये इस बात को साफ करती है कि ये जो लिस्टिंग है ये इस मुखिया के पहले के कार्यकाल वाले मुखिया की है। मतलब साफ होती है कि सार्वजनिक तौर पर ग्रामीणों को दिए गए घर का जो ब्यौरा है वो इनसे पहले वाले मुखिया ने यहाँ पर लिखवाया था, पर इस बात का ढिंढोरा कोई और पीट रहा है। अभी तत्कालीन मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि ये काम उन्होंने करवाया है, पर ये सरासर झूठ है, ये सरासर एक धोखा था, हम लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई। सच्चाई यही है कि ये जो लिस्टिंग है ये 2011 में की गई थी, इनसे पहले के मुखिया ने ये काम किया था, जनता को, जनता के सामने पारदर्शिता के साथ आवास योजना मिलने वाली की सारी लिस्ट यहाँ पर पंचायत भवन में चिपकाई गई थी, ये काम इससे पहले के जनप्रतिनिधि, इससे पहले के मुखिया ने किया था। पर एक होता है रोटी पकाना और दूसरा होता है उस पकाए हुए रोटी को गुछियाना, ये हमारे गांव में, हमारे समाज में कहावत चलती है, तो वही हुआ। इनसे पहले के मुखिया ने ये काम किया, जनता के सामने पारदर्शिता के साथ ये सूची रखा, ये लिस्ट रखा, जिससे हर एक इंसान को पता चले कि किसको किसको पक्का मकान मिला है। पर इस बात का कोई और लाभ उठा रहा है, इस बात का पताका कोई और लहरा रहा है, इस बात का ढिंढोरा अभी के वर्तमान मुखिया पीट रहे हैं। अपना सीना थपथपा कर वो कह रहे हैं कि हमने 97 को घर दिलवाया और उसकी लिस्टिंग हमने सार्वजनिक तौर पर पंचायत भवन के दीवार पर लगवाई है, पर ये
सरासर झूठ है, जनता को बरगलाया जा रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है। अपने जनप्रतिनिधि द्वारा यदि इस प्रकार से जनता को ठगा जाएगा, झूठ बोला जाएगा और बरगलाया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास कहां तक संभव हो पाएगा। हम अपने शो में पूरे ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, वहां हो रही विकास की सारी हकीकत आप तक पहुंचाते हैं, बिना मिर्च, बिना किसी प्रकार की सनसनी बनाए, वो सारी सच्चाई आप हमारे चैनल पर हमारे शो में देख रहे हैं। हम अभी निष्पम्बे पंचायत का दौरा कर रहे हैं, हमने हर एक वार्ड का दौरा किया, वहां हो रही विकास की हर एक हकीकत को हमने अपनी आंखों से देखा। पर जब वो बात बताने का समय आता है तो हम जनता के बातों पर भरोसा करते हैं, जनता द्वारा बताए गए हर एक चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, जनता अपने जनप्रतिनिधि से कितना खुश है, कितना आक्रोशित है, इन सभी चीज़ों का आकलन करते हैं और सच्चाई आप तक पहुँचाते हैं। फिलहाल हम निष्पम्बे पंचायत का दौरा कर रहे हैं, आपने देखा कि मुखिया जी द्वारा, मुखिया प्रतिनिधि द्वारा अपना पक्ष रखा गया, अपने बचाव में बातें की रखी गई, हमने सवाल किए, जनता द्वारा जो भी आक्रोश व्यक्त किया गया था, जो भी सवाल उठाए गए थे, पर फिलहाल जनता अपने जनप्रतिनिधि से नाखुश है। धरती पर जो भी काम दिख रहा है, जो भी विकास कार्य है, वो सभी चीज़ें आप हमारे शो में खुद देख लेंगे और इस बात का आकलन कर सकते हैं कि आखिर पिछले 5 साल में मुखिया जी द्वारा क्या क्या विकास कार्य किया गया, और यदि कहीं विकास कार्य नहीं किया गया, यदि कहीं बिचौलियों द्वारा पैसे खाए जा रहे हैं, तो वहाँ किसकी गलती है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, कैसे सभी मामलों का निपटारण होना चाहिए, निष्पादन होना चाहिए, इन सभी चीज़ों का आकलन आप हमारे दर्शक खुद कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब कभी भी ग्रामीण क्षेत्र में विकास की बात आती है तो वो बागडोर सीधे सीधी वहाँ के मुखिया के हाथों में होता है, और यदि ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं हो सका तो इसका कहीं ना कहीं असर मुखिया द्वारा खींचने और उस बागडोर को सही तरीके से हैंडल करने पर भी होता है। आप हमारे साथ बने रहिए सिल टीवी पर, हम ग्रामीण क्षेत्र में चल रही विकास की सारी लूट खसोट और सारी सच्चाई, सारे विकास कार्य आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।